गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन 4.3 पढ़ेंगे और उसमें दो भुजाएं और तीन कोणों से चतुर्भुज की रचना करना है। लेकिन इसमें ये कोण जो हमको तीन कोण दिए हुए हैं बच्चों, इन तीन कोणों को हमको घी के सहायता से नहीं बनाना है, इसको हमको प्रकार की सहायता से कोण बनाना है। तो हमको 60 डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना, 120 डिग्री का कोण बनाना तो आसान है, लेकिन 105 डिग्री का कोण कैसे बनता है पहले अपन इसके बारे में कोण बना लेते हैं कि कोण कैसे बनता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं ताकि आपको कोण बनाने में दिक्कत नहीं आ जाए। आधे से कम का चाप खोल लो, आधे से ज्यादा का चाप कम खोल के और इसको एक डी की तरह इस तरह से काट लो। काटने के बाद ये जहां पे कटा हुआ है यहां पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप काट दिया पड़ने के, ये काट दिया। तो बच्चों ये कोण जो कटा हुआ है ये 60 डिग्री का कोण है। देखो कैसे है ये 60 डिग्री का कोण, ये मैं आपको जब अपन बनाएंगे तो ये ए और इसको अपन बी दे देते हैं और इसको जब मिलाएंगे इस लकीर से, ये देखो यहां से और यहां तक ये, और इसको जब हम नापेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा वास्तविकता में ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। देखो ये 60 डिग्री कोण बना हुआ है ना, ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब 120 डिग्री का कोण कैसे बनता है ये भी सीख ले अपन पहले। यहीं पे जहां से कटा हुआ है यहां पे प्रकार की नोक रखकर इसके बाद एक लकीर और डी के ऊपर काट दें। ये जो कोण कटा है ये 120 डिग्री का कोण है, इसको मिला के देखते हैं अपन बी को केंद्र मानकर और इसको मिला दें अपन। ये देखो तो ये जो है 120 डिग्री का कोण बन गया, तो इसको अपन नाम दे देंगे 60 डिग्री का कोण। ये ऊपर बिंदी लगाते हैं इसको डिग्री बोलते हैं और यहां से जब नापेंगे ये देखो आप 120 डिग्री का कोण बन चुका है। ये बिना डी की सहायता से भी हम कोण बना सकते हैं। और 90 डिग्री का कोण हमको बनाना आता है क्योंकि ये जो दोनों कटे हुए हैं इन दोनों को यहां से हमको प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करते हुए यहां से इसको यहां काट देना है और ये यहां से जो कटा है इसको यहां से ये काट देना है और इन दोनों को मिला देना है। ये देखो तो ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण है। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये यहां से जीरो पे मिला लेंगे और इसको सेंटर में मिला के यहां से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब 105 डिग्री का कोण जो बनाना है हमको वो कहां बनेगा, तो अपन क्या करते हैं ये जो 90 डिग्री का कोण बना है ये लकीर इस जी के ऊपर और एक ये लकीर इन दोनों को केंद्र मानकर यहां से इसको काट देते हैं। ये देखो इसको काट दिया और इसको भी यहां से काट देते हैं। अब जो कटा है इसको मिला लेते हैं अपन, तो इसको मिलाने के बाद इसको फिर नाप के देखते हैं ये कितने डिग्री का कोण बना है। ये देखो जब इसको नापेंगे अपन तो यहां पर इसको यहां पे जीरो पे ले जाएंगे, ये 105 डिग्री का कोण बन चुका है, 105 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में नापेंगे, अगर यहां से इसको जो कट लगा है यहां से ये कट लगाकर और ये 90 डिग्री के वाली लकीर पे कट लगाकर सारे जो कोण बनेंगे वो हमारे इसी के जो मिल रहे हैं इसी से मिला के बनाएंगे तो हमारे को मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये कोण जो बना है इसको भी नाप के देखते हैं तो ये 85 डिग्री का कोण बना है। तो अगर 85 डिग्री का कोण बनाने का आ जाए तो हम इस तरह से बना सकते हैं। और आपको एक बार और मैं 105 डिग्री का कोण अब कैसे बनेगा ये और बता देता हूं। ये एक स्केल लेंगे, स्केल की ओर से हम एक इस तरह की और हम प्रकार की सहायता से आज चंद्रमा इधर भी साइड इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। ये और यहां से हमको ये काट देना है, ये 60 डिग्री का बनेगा। इसके बाद यहां से
यहाँ ऊपर काट देंगे और यहाँ नीचे काट देंगे और ये जहाँ कटा है यहाँ से फिर वापस ऊपर वाले को भी काट देंगे, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ये 60 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण बना है और ये 120 डिग्री का कोण बना है। तो हम पहले 90 डिग्री वाले को मिला लेते हैं आसान से। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब जब 90 डिग्री का कोण बन गया है तो हम इस 90 डिग्री के कोण को जहां ये डी पे कटा हुआ है यहां पे प्रकार रख के और इसको काट लेंगे और जहां 120 डिग्री का कोण कट रहा था यहां से हम इसको ये काट देंगे और इस लकीर को मिला देंगे तो ये हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये देखो आप, अब इसको अपन जब डी सी नाप के देखेंगे तो ये 110 है और ये 120 है, सॉरी। अब देखो ये 105 डिग्री का कोण सीधी तरह से बन गया है, ये 105 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा। तो अब हम अपने मूल सवाल पर आ जाते हैं कि किस तरह से हमको इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक कच्चा चित्र बना लेंगे, ओ एम एम ओ आर ई, एम ओ 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर है और कोण एम पे ये कोण एम दे रखा है, यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ओ पे जो है एम के बाद ओ पे 105 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये ओ बिंदु है, यहां पर 105 डिग्री का कोण बना हुआ है और कोण आर पे भी 105 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस तरह के एक हमको रचना करनी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमओ 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ये देखो आप, यहां से ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचकर सबसे पहले हम 105 डिग्री का कोण या इधर से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। इधर से जो है हम ये और यहां से हम इसकी रचना करके और इसको ये 60 डिग्री का कोण हमारा बन चुका है। अब 60 डिग्री का कोण बनने के बाद इसको हम मिला देंगे। अब ये रेखा हमको नाप दिया हुआ नहीं है तो हम अंदाजे से इसको मिला लेंगे और यहां पर लिख देंगे 60 डिग्री एम और ओ, ये 6 सेंटीमीटर है ना। अब इस पे 120 डिग्री का कोण बनाना हमको, ये 105 डिग्री का कोण बनाना है तो इस पे भी हम इस तरह से जो है एक अर्धचंद्रमा का ये व्यास काट देंगे और यहां से ये 60 डिग्री का कोण बन गया हमारा और यहां से ये 120 डिग्री का कोण बन गया है। इसको 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको पहले, तो यहां से 90 डिग्री का कोण बनना पड़ेगा क्योंकि 90 और 120 के ही आधे हमको करना है और इसको लाइनिंग के द्वारा हम मिला लेंगे। इस तरह से हम और उसके बाद हमको बहुत ध्यान से देखना, ये जो कट रहा है यहां पर चंद्रमा के यहां पर ये जो 90 डिग्री का कोण मिल रहा है यहां से इसको ये काट दिया और जहां 120 डिग्री के कोण पर चाप कट रहा था इसको इससे काट देंगे, ये काट दिया और इसको इससे काट दिया। ये जहां पर कटा है इसको हम पुनः मिला लेंगे, ये मिला है ना। अब इसको जब नाप के देखेंगे तो हमारा 105 डिग्री का कोण बन गया है, ये 105 डिग्री आ चुकी है। अब हमको
यहां पर कोण बनाना है 105 डिग्री का और अब यहां पे हमें एक रेखा और नाप दे रखा है 4.5, तो हम प्रकार की सहायता से 4.5 खोल लेंगे और खोलने के बाद ओ से 4.5 आठ तक दे रखा है, तो ये हम यहां से इसको काट देंगे। इसको काटने से क्या होगा कि हमें एक आर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब आर बिंदु से हमको 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहां पर जहां कटा है वहां से इसको हम डी का निर्माण, आगे डी का निर्माण कर देंगे। ये कट गया, उसके बाद इसको यहां से काट देंगे अपन। ये कट गया यहां पर 90, ये 60 डिग्री का कोण बन गया और ये 120 डिग्री का कोण बन गया, और यहां पर ये इसको यहां से इस तरह से काटेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 90 डिग्री वाले कोण को हम मिला देंगे, लकीरों के द्वारा इसको मिला देंगे ये, और इसके थ्रू हम यहां से काट देंगे। ये जो 90 डिग्री का कोण बना है जहां कट रहा है इसको और 120 डिग्री वाले को काट कर यहां से ये मिला देंगे, और इसको पुनः वापस हम यहां से इसका ये इस तरह से हम इसको मिला देंगे, तो हमारा यहां पर ये ई बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये 105 डिग्री का कोण बन चुका है और ये भी 105 डिग्री का कोण बन गया है। 90 डिग्री वाले को नहीं लिखना है, 120 वाले को भी लिखना है, 60 को 105 डिग्री। इस तरह से हमारे चतुर्भुज एम ओ आर ई की अभीष्ट रचना हो जाएगी। रचना के पद में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एमओ 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, एम को केंद्र मानकर इस एम पे 60 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, ओ को केंद्र मानकर ओ से 105 डिग्री का कोण बनाया प्रकार की सहायता से, और 4.5 सेंटीमीटर ओ से आर तक काट दिया, जहां पे कटा उसको केंद्र मानकर आर बिंदु प्राप्त हुआ और आर से हमने वहां पर 105 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया और उसको मिलाया, और जहां पे वो रेखा पे मिला, दोनों रेखाएं मिली, वहां पे हमको ई बिंदु प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक अभीष्ट चतुर्भुज की एम ओ आर ई की रचना हो जाएगी। बच्चों अब हम दो भुजा और तीन कोण की रचना कर रहे हैं, तो इसका जो है ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल चतुर्भुज एच ई आर। अब इसमें एच ई 5 सेंटीमीटर दिया है, ई ए 6 सेंटीमीटर दिया है और एक ही कोण दिया है, जबकि तीन कोण होना चाहिए, तीन कोण हमको बनाना था। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक जो है एच ई ए और आर, एच ई नीचे बनाएंगे अपन, एच ई बच्चों, तो हमको दो भुजा और तीन कोण से चतुर्भुज की रचना करना है, लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज इसको जो है समांतर चतुर्भुज ये तीसरा सवाल है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में एच ई 5 सेंटीमीटर दिए, तो एच ई हमारे 5 सेंटीमीटर ये दिए और ई ए 6 सेंटीमीटर हमने आधार ले लिया और कोण आर 85 डिग्री दिया है। अब समांतर चतुर्भुज में समूह कोण जो है बराबर होते हैं, तो आर कोण अगर 85 डिग्री का है तो कोण ई भी 85 डिग्री का होगा, तो 85 को दोनों जोड़ने पर 170 डिग्री होता है। अब 360 में से अगर हम 170 डिग्री को कम कर देते हैं तो यहां पर 0 और 190 में से अगर हम इसको दो में दो से विभाजित करेंगे तो ये 95 डिग्री का कोण
सम्मुख कोण ये भी बराबर होंगे। अब हमको जो है ये एक कच्चा चित्र प्राप्त हो चुका है, इस हिसाब से हम अपना एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, अब देखो अपन ई ए 6 सेंटीमीटर की एक यहां पर एक लकीर खींच लेते हैं, निर्माण करने की कोशिश करते हैं, देखो अपन कैसे बनाते हैं इसको। ये ई ए लिख दो यहां पर हाथों हाथ, ई ए 6 सेंटीमीटर। अब यहां 85 डिग्री का कोण बनना और यहां 95 डिग्री का कोण बनना, जो हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। उसके लिए हमको पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ कोण बनेंगे। तो पहले हम यहां पर 85 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां पर इसको एक अर्धचंद्रमा बना लेंगे, और उसके बाद यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बन गया, और ये 120 डिग्री यहां से इसको यहां से काटकर और इसको नीचे से भी इससे भी काट देंगे, और उसके बाद यहां से मिलाकर इसको, तो हम जानते हैं ये 60 डिग्री का कोण है, ये 120 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो 90 डिग्री का कोण बन गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से मिला लेंगे, ये 90 डिग्री का कोण इससे बन जाएगा। देखो ये 85 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, एक 60 डिग्री का कोण है। अब इसके बीच में भी हम इन दोनों के बीच में क्यों करा हमने यहाँ पर, ताकि यहां से हम इसको काट सकें। हमको कितने डिग्री का कोण बनाना है, इधर 85 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 से कम बनेगा तो वो अंदर ही बनेगा। इसको हम मिला लेंगे, है ना। अब ये कोण कितने डिग्री का बना है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये अभी 85 डिग्री का कोण नहीं बना है। तो इसके लिए हमको पहले लकीर बड़ी करके हमको यहाँ पे इसको नापना है, और नापने के बाद ये अभी 105 डिग्री का कोण बना हुआ है, जबकि हमको बच्चों हमको 85 डिग्री का कोण बनना है। तो हम यहाँ 90 के अंदर से यहां से इसको लेंगे और यहां से इसको यहां से काट देंगे, और जहां प्राप्त होगा हमको वहां से इसको पुनः मिला देंगे। ये अब हमको क्योंकि अभी 85 डिग्री का कोण नहीं बना है, इसलिए पुनः यहां से एक बार फिर हमको काटना पड़ेगा, जहां ये कटा है वहां से हमको इसको अब मिला देंगे हम, तो ये 85 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। ये 85 डिग्री का हो गया, ये हमारा 85 डिग्री का कोण हो गया, और ये 95 डिग्री का कोण हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 85, 95 और 95 इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 15, 5 × 20 की शून्य हासिल के 2, 8 × 8 = 16, 16 और 9, 16 × 4 = 20, 5 × 25, 25 × 5 = 30, 30 × 4 = 36, ये 360 डिग्री आपका आ गया। इस तरह से हमारी एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना होगी। इस तरह से हमको थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन इसको बना लें, कोई परेशानी हो तो फिर मुझे बताएं। इस तरह से हमारा एक अभिष्ट चतुर्भुज बन जाएगा, बना लें, और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते।